हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अभी फूडी जोन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो मुगलों के दरबार में बहुत शाही हुआ करती थी और जिसको मुगल्स बहुत चाव से खाते थे और उन्हीं के द्वारा ये हमारे देश में लेकर आई गई। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा और इसको आज हम एक शाही तरीके से बनाएंगे। और दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको ये डिश कैसी लगी। अगर अच्छी भी ना लगी तो तब भी बताइए ताकि मैं आगे चलकर इस पर और काम कर सकूँ और अच्छी से अच्छी डिश बनाने की कोशिश कर सकूँ। चलो दोस्तों, आज बनाते हैं शाही मटन कोरमा। दोस्तों, ये सारी सामग्री हैं जो शाही मटन कोरमे में इस्तेमाल होगी। इन सारी सामग्री को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही साथ आपको ये स्क्रीन पर भी शो होगी इनकी मात्रा के अनुसार। चलो दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं अपना शाही मटन कोरमा। दोस्तों, ये 250 ग्राम दही है। अब मैं इसको अच्छे से फेटूंगा ताकि इसके अंदर से सारे लम्स निकल जाए और सब्जी बनाते वक्त ये दही फटे ना। दोस्तों, हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है हमारी दही। अब दोस्तों, अब मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है। अब ये मेरी कटी प्याज है, इसको मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया था। अब मैं अपने तेल में इसको डालूंगा जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। दोस्तों, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और ये मैंने 4 प्याज दी थी बड़ी, अब इनको हम तेल में डाल रहे हैं। अब करछी को चलाएंगे धीरे धीरे ताकि प्याज अच्छे से भुन सके और इक्वली भुन सके। दोस्तों, देखिए हमारी प्याज अब भुनने लगी है और इसका हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर भी आने लगा है। दोस्तों, ये मेरा मटन है जो मैंने 750 ग्राम लिया है मार्केट से और इसके अंदर मैंने चाप का पीस, ये नल्ली का पीस और ये गोल बोटी का पीस लिया था इसमें, और मैंने नमक डाल लिया है ताकि अच्छे से साफ़ हो सके। दोस्तों, देखिए हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों, ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और क्रंची हो जाए, बाद में मैं इसका पेस्ट बना लूँगा। दोस्तों, सारे खड़े मसाले हैं जो मैं इसके अंदर डालूँगा। ये तेज पत्ता डाल दिया मैंने, एक दालचीनी डाली है, 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है, ये एक छुआरा है जो इसको टेस्ट को अर्धी करेगा, ये पीपली है, 2 पीपली डाली है मैंने, ये जावित्री है जो मैंने 2 छोटे पीस डाले हैं इसके, ये सूखी अदरक है, चाहे आप इसको डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं बट ये टेस्ट को इन्हेंस करती है, ये एक नटमैग है जो मैंने इसको डाला है और ये एक चकरी है। ये सारे मेरे खड़े मसाले हैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। दोस्तों, ये हरी इलायची है जो मैंने 7 से 8 ली है, इसको हम अपनी सब्जी में डाल लेंगे, इससे हमारे मटन कोरमे में एक अच्छी खुशबू आएगी और इसको शाही बनाएगी। ये काली मिर्च है, ये 8 से 10 मैंने ले ली है, इसको भी डाल लेंगे हम और अब इसको भून लेंगे। ये 7 से 8 लौंग है, इसको भी डाल लेंगे हम। ये ज़ीरा है जो मैंने 10 ग्राम लिया था। अब इसको अच्छे से हम करछी को चलाएंगे और इसको भूनेंगे। दोस्तों, अब हम अपने मटन को तेल के अंदर डाल रहे हैं और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि ये नरम हो जाए। अपनी करछी को अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारे मटन के अंदर अच्छे से तेल रम जाए। फ्लेम को भी हाई ही रखेंगे ताकि मटन हमारा जल्दी से
गल सके। अब हम अपने शाही मटन कौरमे में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो 2 बड़े चम्मच हैं। करछी को अच्छे से चलाएंगे। ये लाहौरी नमक है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको स्वाद अनुसार अपने शाही मटन कौरमे में डाल लेंगे। ये काजू पिस्ता बादाम का पेस्ट है जिसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और इसके मैंने 10-10 पीस लिए थे। इसको हम अपनी शाही कौरमे में डाल लेंगे। अपनी करछी को लगातार चलाएंगे ताकि ये तली पर चिपके ना। ये 250 ग्राम दही है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब इसको अपने शाही कौरमे में डालेंगे। अब कच्ची अच्छे से चलाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे शाही मटन कौरमे में कितनी अच्छी रंगत आ गई है। दोस्तों, ये केसर है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको हम अपनी सब्ज़ी में डाल लेंगे। इससे हमारी सब्ज़ी के अंदर एक अलग ही मिठास आएगी और इसको एक शाही लुक मिलेगा। ये दोस्तों धनिया पाउडर है जो मैंने 3 बड़े चम्मच लिया था। अब इसको हम अपनी सब्ज़ी में डाल लेंगे। दोस्तों, ये लाल देगी मिर्च है जिसको मैं 1/2 चम्मच ही डालूँगा। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है, बट मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसे कम ही डाला है। दोस्तों, ये मीट मसाला है जो मैंने सारे खड़े मसालों को पीस के बनाया है। ये मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं। अब इसको डाल लेंगे। हम अपनी करछी को अच्छे से चलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारे शाही मटन कौरमे में रंगत आनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। दोस्तों, अब हम इसके अंदर अपनी भुनी प्याज डालेंगे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। ये देखिए इसका कलर। अब इसको हम इसमें डाल देंगे और करछी को चलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे तली पर ना लगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा मटन कौरमा अच्छे से गल सके और अच्छे से टेंडर हो सके। ये मैंने 2 कप पानी डाल लिया इसमें, बड़े वाले। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे जिसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया था। अब मैं इसे दोबारा से अच्छे से क्रश करके सब्ज़ी में डाल रहा हूँ, जो ये ग्रेवी को एक थिकनेस देगा
और टेस्ट को इन्हेंस करेगा। अब हम आखिरी में केवड़ा वाटर डालेंगे जो मैंने एक छोटा चम्मच लिया है। ये हमारे मटन कोरमे को एक ईदरनेस और एक अच्छी सी खुशबू देगा। दोस्तों फाइनली हमारा मटन शाही कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में डाल लेंगे और सर्व करने के लिए रेडी हैं। हमारा शाही मटन कोरमा अब बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों अब हम इसे धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेंगे और आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा, और इसे एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए और बनाइए अपने फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरा शाही मटन कोरमा बनकर तैयार है। प्लीज़ इसे ज़रूर एक बार घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मुझे आपके इन लाइक और कमेंट से प्रोत्साहन मिले और आगे चल के मैं इससे अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, अच्छी से अच्छी डिश बनाऊँ। गाइस चलो मैं आपको आज ये खा के भी दिखाता हूँ। ये मैंने एक चाप का पीस लिया है। चलो गाइस ट्राई करते हैं। देखिए बहुत गर्म है। गाइस बिल्कुल गल चुका है अच्छे से और बिल्कुल नरम और टेंडर है। प्लीज़ गाइस को ज़रूर बनाइए। ओके बाय, थैंक यू।